हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नो वेजिटेबल कुकिंग की इस सीरीज़ में आज हम बनाने वाले हैं मिक्स दाल। दाल अपने आप में बहुत ही वर्सटाइल होती है, आप इसको अकेले आराम से बना सकते हैं, चाहे कोई सी भी दाल आप यूज़ करें। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए मिक्स दाल बना रही हूँ। मिक्स दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 5 तरह की अलग अलग दालें। ये है ग्रीन मूंग की दाल 1 मुट्ठी, चने की दाल 1 मुट्ठी, तुअर दाल 1.5 मुट्ठी, और ये है धुली मूंग दाल 1 मुट्ठी। ये मैंने ली है उड़द दाल 1 मुट्ठी। आप इसमें से कोई भी दाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उड़द दाल को डालना ना भूलिएगा। उड़द दाल से मिक्स दाल का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में मिक्स दाल का जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। इन सब दालों को मैंने 4 घंटे के लिए सोक करके रखा था और अब ये कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आइए शुरू करते हैं। गैस पर रखेंगे एक कुकर, उसके अंदर डालेंगे हम 2 टीस्पून घी और उसमें हम डालेंगे ज़ीरा और थोड़ी सी हींग। किसी भी दाल को हमेशा घी में बनाइए, उससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा उठ के आता है। ये हमने डाला कुकर के अंदर दाल को। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। मेरा करीब करीब 1 ग्लास सोक्ड दाल थी, तो मैंने उसके अंदर दुगना पानी डाला है, तो उससे जो टेक्सचर दाल का बन के आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये थोड़ा नमक एज़ पर योर टेस्ट, और उसके अंदर हमने डाला टर्मरिक, हल्दी पाउडर, और इसको स्टर करा और इसको 3 विसल के लिए हम कुक करने के लिए रख देंगे। 3 विसल के बाद जब आप कुकर को ओपन करेंगे तो दाल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। मेरे हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको आपके परिवार को जैसे इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है आप पानी को और डाल सकते हैं। तो आइए सर्व करते हैं हम अपनी मिक्स दाल को। मिक्स दाल को आप सर्व कर सकते हैं दाल के चावल के संग या फिर रोटी के संग। अगर आपके पास लहसुन, प्याज, टमाटर, इसमें से कुछ भी है वेजिटेबल अवेलेबल, तो उसका आप तड़का देकर इस दाल को बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। मिक्स दाल के अंदर उड़द दाल के से जो फ्लेवर आता है वो वैसे ही बहुत अच्छा आता है कि आपको लगेगा नहीं कोई वेजिटेबल की कमी है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ घर का बना हुआ घी मिर्ची का फ्रेश तड़का। और इसको मैं गार्निश करूँगी थोड़े से हरे फ्रेश हरे धनिए के संग, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये आपकी फ्रेश दाल एंजॉय करिए, और ये इतनी खाने में टेस्टी लगेगी कि आपको लगेगा नहीं कि आपके घर में वेजिटेबल्स नहीं हैं। सो गाइस, कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप यू विल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।